Hey guys, welcome back again to our town, Crazy for Bollywood. मैं शुभांगी आज का काउंटडाउन लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें. नंबर वन, शोले का रिमेक बनाना चाहते हैं सलमान खान. एक्टर ने बताया कौन बनेगा जय वीरू और गब्बर. जी हां, सलीम जावेद की डॉक्यूमेंट्री सीरीज इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है. इस बीच अब एक्टर सलमान खान ने उनकी फिल्म शोले का रिमेक बनाने की इच्छा जाहिर की है. सोशल मीडिया पर सलमान का ये बयान अब तेजी से वायरल हो रहा है. उन्होंने ये भी कहा कि वो जय और वीरू दोनों ही रोल निभा सकते हैं और गब्बर का भी. नंबर टू, अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 को लेकर तगड़ा बज बना हुआ है. फिल्म 6 दिसंबर को थिएटर्स में दस्तक देने वाली है. बीते दिनों पता लगा था कि फिल्म का क्लाइमेक्स सीन शूट हो रहा है. इस बीच अल्लू अर्जुन की एक नाराजगी मेकर्स को बहुत महंगी पड़ गई है. अल्लू ने अपनी दाढ़ी कटवा ली थी. ऐसे में पुष्पा 2 की टीम ने मुंबई के कुछ मेकअप टेक्नीशियंस से मुलाकात की है. वहीं उनकी आर्टिफिशियल अब दाढ़ी बनाई गई है जिसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है. नंबर थ्री, वरुण धवन अब सनी देओल की बॉर्डर 2 में नजर आने वाले हैं. मेकर्स ने अब इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी है. अब फैंस भी एक्टर की एंट्री से बेहद खुश हैं और सोशल मीडिया पर रिएक्ट कर रहे हैं. सनी देओल ने बताया कि 23 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के मौके पर फिल्म रिलीज होने वाली है. नंबर फोर, फिल्म डॉन 3 में रणवीर सिंह के अपोजिट कियारा अडवाणी नजर आएंगी. हाल ही में Telugu360.com पर एक रिपोर्ट छपी. इससे पता लगा कि शोभिता धुलीपाला की फिल्म में एंट्री हो गई है. वो डॉन 3 में दिखाई देंगी. फिल्म में एक डांस नंबर होगा जिसमें वो परफॉर्म करने वाली हैं. इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. हाल ही में टीम ने उनसे इस डांस नंबर के लिए कॉन्टेक्ट किया था. ऐसा पता लगा कि उनकी तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है. नंबर 5, 15 अगस्त को रिलीज हुई मैड डॉग फिल्म्स और जियो स्टूडियो की हॉरर कॉमेडी स्त्री 2 ने बॉक्स ऑफिस पर पहले हफ्ते में 8 दिनों तक शानदार परफॉर्म करके दिखाया है. कम बजट को ध्यान में रखते हुए स्त्री 2 को भारत की बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है. दूसरे गुरुवार को 16 करोड़ की कमाई करने के साथ ही स्त्री 2 हिंदी में अब तक की चौथी फिल्म बन गई है. नंबर 6, सलमान खान की साल 2015 में रिलीज हुई बजरंगी भाईजान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान डायरेक्टर कबीर खान ने कहा कि फिल्म के सिक्वल पर उन्होंने चुप्पी तोड़ी है. कबीर खान ने कहा कि ब्लॉकबस्टर फिल्मों को सिक्वल की जरूरत नहीं होती है. अब उनका बयान वायरल हो रहा है. नंबर 7, युवराज सिंह की बायोपिक की जब से अनाउंसमेंट हुई है तभी से दावेदारी के लिए दो एक्टर्स के नाम सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं. इसमें पहला नाम तो इंडस्ट्री के एनर्जेटिक एक्टर रणवीर सिंह का है. रणवीर ने पहले कपिल देव की बायोपिक में भी शानदार काम किया है. रणवीर सिंह के अलावा जो दूसरा नाम सामने आ रहा है वो है विक्की कौशल का. युवराज के लुक को देखते हुए लोग विक्की को भी उनकी बायोपिक के लिए परफेक्ट चॉइस मान रहे हैं. नंबर 8, सनी देओल ने स्त्री 2 के बम्पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई देखने के बाद स्त्री 2 की जमकर तारीफ की है. जी हां, वो खुद को स्त्री 2 की तारीफ करने से रोक नहीं पाए. हाल ही में सनी देओल ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई. इसमें स्त्री 2 का पोस्टर शेयर किया गया है. उन्होंने लिखा कि स्त्री 2 की टीम को बधाई बॉक्स ऑफिस पर जोरदार मॉनसून लाने के लिए. आपने फिल्म एग्जीबिटर्स को खुश कर दिया है. ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए. नंबर 9, अरशद वारसी एक बार फिर मुन्ना भाई के फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहे हैं. एक बार फिर बेहद खास जोड़ी लोगों के लिए एक शानदार प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए तैयार हो चुकी है. राजकुमार हिरानी इस बार OTT प्लेटफॉर्म पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं जिसके लिए उन्होंने अपने पुराने साथी अरशद वारसी को चुना है. ये OTT सीरीज एक साइबर क्राइम थ्रिलर होगी जिसमें विक्रांत मैसी भी नजर आएंगे. नंबर 10, आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस ने सलमान खान की 14 साल पुराने ट्वीट पर रिएक्ट किया है. सलमान ने साल 2010 में आमिर के लिए ट्वीट किया था, फिल्म के बाद मैंने आमिर को खुद को छूने नहीं दिया, अगर मुझे गोल्ड में बदल देता तो. अब इस ट्वीट पर आमिर खान प्रोडक्शंस ने रिएक्ट करते हुए लिखा, हम इसके बारे में बहुत सोचते हैं. नंबर 11, फिल्म दिल से के बाद शाहरुख मनीषा ने साथ में काम क्यों नहीं किया. एक्ट्रेस ने अब सालों बाद इसका खुलासा किया है. जी हां, एक इंटरव्यू में मनीषा कोइराला ने कहा, आपको ये सवाल शाहरुख से करना चाहिए. इस इंडस्ट्री में हीरो डिसाइड करते हैं कि उन्हें किसके साथ काम करना है, हीरोइन नहीं. नंबर 12, मनोज बाजपेयी ने मुंबई स्थित अपना लग्जरियस अपार्टमेंट 9 करोड़ रुपए में बेच दिया है. एक्टर का ये घर मिनर्वा में था जो लोखंडवाला कटारिया कंस्ट्रक्शन द्वारा बनाया गया एक लग्जरी टावर है. नंबर 13, एक्सेल एंटरटेनमेंट की एक्शन पैक्ड थ्रिलर फिल्म
योद्धा के रिलीज डेट को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सिद्धांत चतुर्वेदी की ये मूवी अब 20 सितंबर 2024 को बड़े पर्दे पर रिलीज हो सकती है। नंबर 14, लव रंजन ने साल 2021 में सौरव गांगुली की बायोपिक फिल्म अनाउंस की थी। उसी के बाद कहा जा रहा था कि आयुष्मान खुराना इस फिल्म में सौरव गांगुली का किरदार निभाने के लिए तैयार है, लेकिन अब इस फिल्म में एक मोड़ आ गया है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि आयुष्मान खुराना ने सौरव गांगुली की बायोपिक से बैकआउट कर लिया है, जिससे खुद मेकर्स भी हैरान हैं। नंबर 15, मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का एक और गाना जल्दी ही रिलीज होने वाला है। सिद्धू मूसेवाला के सोशल मीडिया अकाउंट पर ये जानकारी शेयर की गई है। ये गाना 30 अगस्त को रिलीज होगा। सोशल मीडिया अकाउंट पर ये जानकारी वायरल होने के बाद मूसेवाला के फैंस में एक्साइटमेंट लेवल हाई हो गया है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।